News के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट, रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावनवाड़ी में। भले ही जिला कोरोना मुक्त हुआ हो, किंतु तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की समिति तैयार कर उनकी सलाह के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाई जाए, इसके लिए 34 करोड़ रुपयों का निधि मंजूर किया गया है। ये जानकारी जिले के पालक मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम ने दी। इसके साथ ही विकास कार्य व निधि खर्च करते समय जिले के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर योग्य नियोजन कर ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। रविवार 8 अगस्त को जिला नियोजन सभागृह में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में पालक मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील मेंढे, विधायक नाना पटोले, विधायक नागू गाणार, डॉक्टर परिणय फुके, एडवोकेट अभिजीत वंजारी, नरेंद्र भुंडीकर, राजू कारेमुरे, जिलाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मोन, जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, जिला नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड़ व विविध विभाग के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में बताया गया कि विविध योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के तहत मंजूर कुल 12,914 लाख रुपए में से मार्च 2021 तक 12,914 लाख की राशि प्राप्त हुई है। कंप्यूटराइज अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली पर शासन द्वारा प्राप्त हुई इनमें से 12,882.03 लाख रुपयों का खर्च दर्ज किया गया, जो राशि के 96.61% खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के संक्रमण से निपटने के लिए प्रभावी प्रतिबंधनात्मक उपाय योजना के लिए जुलाई माह के अंत तक 34,24,05,000 रुपयों के कामों को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से 9,14,67,000 रुपयों का निधि वितरित की गई है। उपरोक्त निधि में से 30% निधि की कटौती कर वह निधि कोविड के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह जिला वार्षिक योजना सर्वसाधारण 21 के तहत कार्यान्वित प्रणाली द्वारा जिला मार्ग विकास मजबूतीकरण, ग्रामीण मार्ग मजबूतीकरण, यात्रा स्थलों का विकास आदि महत्वपूर्ण कामों के लिए 23 योजनाओं के तहत 27,48,52,000 रुपए की निधि के प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश किए गए। नवीनतम पूर्ण योजना के तहत 11,23,000 की निधि के तहत 18 योजना समिति के सामने मंजूरी के लिए रखी गई। साथ ही पवनी स्थल को क श्रेणी तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सिफारिश की गई। इस सभा में इससे पूर्व 25 जनवरी 2021 को हुए जिला नियोजन समिति की सभा की रिपोर्ट रखी गई। साथ ही जिला वार्षिक योजना 2021-22 के तहत विविध योजनाओं के तहत प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।